हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों, देखिए आपके सामने एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट को लेके मैं आपके साथ आई हूँ आज। और आप देख सकते हैं इसमें आपको कितने कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, तीन कलर के। ऐसा लग रहा है शायद तीन कलर के प्लांट जो है ये लगा रखे हैं हमने एक साथ, और तीन कलर के इसमें फ्लावर हो रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों एक ही प्लांट है और उसमें इस तरह से तीन शेड में फ्लावरिंग होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब कहते हैं खुशबू वाला पेड़ है, जिसका नाम है ब्रून फ्लुशिया पर्सी फ्लोरो नाम है इसका दोस्तों। और इसको जो है यस्टरडे टुमारो एंड टुडे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाम दिया है इसका कॉमन नेम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, क्योंकि इसके जो तीन शेड होते हैं, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो क्योंकि ये तीन शेड में आता है दोस्तों, पहले ये डार्क पर्पल होता है, उसके बाद ये लाइट पर्पल होता है, उसके बाद आपको ये वाइट दिखाई देता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे साथ। इसके साथ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी इसके बारे में दोस्तों। ये जो प्लांट है इस टाइम समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है, मेनली इस टाइम पे इसकी ब्लूमिंग होती है दोस्तों। इसीलिए मैंने अभी तक इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे ये ब्लूमिंग करेगा उसी दौरान मैं इसके आपके साथ शेयरिंग करूंगी विद फ्लावर के साथ। तो देखिए ये टाइम होता है समर का, जो मार्च अप्रैल का टाइम, इसमें बेस्ट ब्लूमिंग होती है और बहुत ही सुंदर आपको ये लगता है। ऐसा लगता है पूरा प्लांट फूल से भर गया है, पत्तियाँ भी आपको देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही होंगी इस टाइम पर इसकी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है दोस्तों। इसको आप प्लेस करने की हम बात करें तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे आप पॉट में लगाइए, चाहे आप इसे ज़मीन में लगाइए। अगर आप पॉट में लगाएंगे तो ये छोटा रहता है, लेकिन अगर आप इसे ग्राउंड में ज़मीन में लगाते हैं दोस्तों, तो ये आपका झाड़ी नुमा थोड़ा बड़ा ग्रोथ कर लेता है दोस्तों ये प्लांट। तो ये बहुत ही सुंदर, और इसमें अगर आप इसे देखेंगे, आप इसके पास में भी खड़े होंगे, तो इसमें एक मीठी सुगंध जैसी खुशबू आती है, बहुत ही सौंधी खुशबू आती है इस प्लांट में। इसलिए मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है जब मैं रात को वॉक करती हूँ, तो इसमें इतनी मीठी मीठी सुगंध आती रहती है इस प्लांट के पास से। तो ये देखिए इसके तीन शेड होते हैं, इस तरह से ये तीन रंग बदलता है ये प्लांट। और इसको आप, अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें ग्रोइंग के लिए, तो दोस्तों आप इसको टहनी से भी लगा सकते हैं, और इस टाइम पे भी आप लगा सकते हैं मार्च के टाइम में। अभी जैसे है मार्च अप्रैल तक आप लगा सकते हैं इसको, या आप इसको जैसे बरसात का रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे भी आप इसको लगा सकते हैं, कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है दोस्तों ये। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर इसकी बात करें तो इसको बहुत केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ये मतलब नॉर्मल प्लांट है जो आप ईजिली ग्रो कर सकते हो। जैसे हम बाकी प्लांट्स को खाद देते हैं, वैसे भी आप इसकी सॉइल तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल रखिए, एक पार्ट इसमें थोड़ा सैंड रखिए, और एक पार्ट इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का दीजिए, और ये बहुत ही इजीली ग्रोइंग प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट के साथ। अगर इसमें कभी कभी इसके पत्ते जो होते हैं ना थोड़े से वैसे हो जाते हैं, जिसमें इंसेक्ट लग जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं उस दौरान, अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मार्च का टाइम जो होता है इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है दोस्तों। तो जैसे ही डोरमेंसी का पीरियड फिनिश होता है तो फेबररी में आप इसको खाद दीजिए, क्योंकि उसके बाद ये फ्लावरिंग करता है, और इसके फ्लावर जो होते हैं कम से कम काफ़ी दिन चलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज ही फ्लावरिंग हुई और आज ही हो गया, तो ये फ्लावरिंग करता रहता है और एक साथ खूब सारी फ्लावरिंग करता है जब तक ये पूरा ब्लूमिंग नहीं करता। तो ये ऐसी भरा आपको दिखाई देगा दोस्तों, तो इसलिए आप इसको फेबररी में ही खाद दीजिए, जैसे हम बाकी प्लांट्स को देते हैं टाइम से डोरमेंसी के बाद। और ये सीज़न में ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है, उसके बाद भी करता है, रुक रुक के करता है फ्लावरिंग दोस्तों। तो आप इसको मतलब आराम से अपने गार्डन में इस टाइम पे ला सकते हैं, और आपको नर्सरी में भी अवेलेबल होगा ये प्लांट। तो आप इसकी जैसे अब डोरमेंसी का पीरियड जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग ट्रिमिंग कर सकते हैं, जो भी सूखे पत्ते हैं, सूखी टहनियाँ हैं, वो आप इसमें से निकाल दीजिए, और इसको आसानी से तब उसके बाद खाद दे दीजिए। फिर जब नई जो ब्रांचेज आती हैं उसमें ये फुल ब्लूमिंग करता है। तो मैं तो इसको देखिए दोस्तों, इसलिए मैं इस टाइम पे फरवरी में मैंने इसे खाद दे दी थी, तो ये देखो इस टाइम पे कितने अच्छे से सुंदर से ये ब्लूमिंग कर रहा है। और अगर इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो आप इसे बाहर प्लेस कीजिए
सनी प्लेस में ये बहुत अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। और ये मेरे पास जो है 2 साल हो गए हैं इस प्लांट को, 2 ईयर पुराना प्लांट है ये मेरा। तो अब मैं इसको क्या है, रिपोटिंग भी मुझे करनी है। अगर आपको रिपोटिंग करनी है तो अभी जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तब आप इसे मत छेड़िए, या तो आप इसे जनवरी फरवरी के टाइम पर इसकी रिपोटिंग कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको जैसे बरसात के रेनी सीज़न में भी इसकी रिपोटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट के साथ। और इसे आप स्टेम से भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेम से आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए मेरे उसमें कितने सुंदर से इसके सारे कलियाँ रखी हैं और ब्लूमिंग कर रहा है फ्लावर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसमें आई थिंक सीड भी बनते हैं, मैंने वैसे देखे नहीं है तो देखूंगी सीड से, अदरवाइज इसे आप स्टेम से लगा दीजिए। बाकी तो कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फुल सन में बाहर रहने वाला प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट के साथ। तो आप भी इसे गार्डन में लेकर आइए, ऐड कीजिए और इसकी ब्यूटी जो है आपके गार्डन को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी दोस्तों। तो इसीलिए इस प्लांट को आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और लेस केयर प्लांट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ इसको नहीं चाहिए कि ये कुछ ज़्यादा मांगता। और अगर आप चाहें तो इसकी बॉन्साई वैरायटी भी बना सकते हैं, छोटी सी बुशी वैरायटी उसमें लगा के, और बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों, ख़राब नहीं लगती, बहुत सुंदर लगती है लुक में। तो आप ये भी बना सकते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, इन्जॉय कीजिए इसको भी अपने गार्डन में लगा के। इसकी देखिए, इसके देखिए, तभी तो इसका देखिए कितने सुंदर कलर आते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे रंग लग रहे हैं, पर्पल लाइट पर्पल राइट सा और वाइट सा, तो इतना सुंदर देखने में लग रहा है और खुशबू भी इसमें बहुत सुंदर आती है फ्रेंड्स। तो लगाइएगा इस प्लांट को अपने गार्डन में दोस्तों और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपको साथ आऊँगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इस तरह की आपको एक यूनिक और बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट को मैं आपको अपने गार्डन में के ज़रिए मैं आपको दिखा सकूँ और आपके साथ उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ दोस्तों। तो और अगर आप मेरे पुराने दोस्त हैं तो आपको पता ही है कि जब भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय फ्रेंड्स।